कंगारू मदर केयर, इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड कंपोनेंट्स हैं, थर्ड इंटेंसिव केयर है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंगारू मदर केयर एसेंशियल एलिमेंट होता है ये न्यूनेटल केयर के कंटिन्यूम में, जो इंट्रोड्यूस किया गया था कोलंबिया में 1979 में। उसके रिस्पॉन्स में अबव अदर कंडीशंस हाई इन्फेक्शन और मॉर्टेलिटी रेट के रिस्पॉन्स में ओवरक्राउडिंग के कारण हॉस्पिटल में। सो कंगारू मदर केयर इज एसेंशियल एलिमेंट इन कंटिन्यूम ऑफ न्यूनेटल केयर इंट्रोड्यूस्ड इन कोलंबिया इन 1979 इन रिस्पॉन्स टू इंटरनेमिया हाई इन्फेक्शन एंड मॉर्टेलिटी रेट ड्यू टू ओवरक्राउडिंग इन हॉस्पिटल्स। देन सेकेंड इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट स्किन टू स्किन पोजिशन, सेकेंड ब्रेस्ट फीडिंग, थर्ड एम्बुलेटरी केयर एंड फोर्थ सपोर्ट टू मदर एंड फैमिली। तो फर्स्ट स्किन टू स्किन पोजिशनिंग करते हैं मदर एंड चाइल्ड की, सेकेंड ब्रेस्ट फीडिंग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी होती है, एडिक्यूट न्यूट्रिशन देना होता है, थर्ड एम्बुलेटरी केयर मतलब ओपीडी केयर करते हैं उसकी, अर्लियर डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से क्योंकि, देन फोर्थ सपोर्ट करता है मदर और फैमिली की उसकी केयर करने में। नाउ थर्ड है इंटेंसिव केयर, तो उसमें फर्स्ट इंक्यूबेटरी केयर एंड सेकेंड फीडिंग एंड थर्ड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन आएगा। फर्स्ट इंक्यूबेटरी केयर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन सप्लाई का देखते हैं, तो सब बराबर रहना चाहिए टेम्परेचर वगैरह और ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन सप्लाई। देन सेकेंड फीडिंग देखते हैं, तो फीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए उसकी, बेबी सक नहीं कर सकता अगर, तो फिर ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल होना चाहिए, यूज़ किया जाना चाहिए। नाउ थर्ड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाहिए। नाउ ऑक्सीजन सप्लाई को हम क्यों देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हो जाती है तो पल्स पाल्सी हो सकता है, ज़्यादा हो जाती है तो वेंटिलेटर फाइब्रिलेशिया भी हो सकता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई को मॉनिटर करना जरूरी होता है। सो ये था।